बाघ ने दो लोगों पर हमला कर किया घायल। बताते चले कि खडीमा के दो लोग जब बग्गा चौवन से बाइक पर खडीमा की ओर आ रहे थे कि अचानक बाघ ने उन पर हमला कर दिया, जिससे दोनों लोग घायल हो गए। दोनों घायलों का नागरिक अस्पताल खडीमा में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि आज सुबह मदन सिंह व उमेश सिंह निवासी बग्गा चौवन अपने घर से जंगल के रास्ते बनबसा कैंटीन बाइक पर जा रहे थे कि अचानक बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले से मदन सिंह ने बाइक तेज भगा ली, जिससे उनकी जान बच सकी। वहीं दोनों घायलों का खडीमा नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं खडीमा नागरिक अस्पताल के डॉक्टर बीपी सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बग्गा चौवन निवासी मदन सिंह और उमेश सिंह पर बाघ के द्वारा हमला किया गया था। दोनों के पैर में ही घाव हैं, जिनका इलाज चल रहा है और एक्सरे कराने के बाद ही आगे की स्थिति पता चल पाएगी। वहीं खडीमा वन विभाग के SDO संतोष कुमार बिष्ट ने बताया कि आज सुबह सुराई कक्ष संख्या 3 के निकट दो लोगों पर बाघ के हमले करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मदन सिंह के पैर में घाव हुआ है। वहीं SDO बिष्ट ने बताया कि सुराई रेंज टीम को गश्त बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं और साथ ही जो स्थानीय लोगों के आवागमन के रास्ते हैं, वहां जो झाड़ियां हैं वहां पर भी साफ सफाई करने के निर्देश दे दिए हैं। टावर बना है जंगल में, टावर के आगे खड़ी रोड जो है वहां पर अचानक झाड़ी में शेर ने जो है अटैक कर दिया रोड में। पहले तो मेरे को पकड़ा, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, जब पीछे वाले को पंचर लग गया तो मोटरसाइकिल बहुत भारी हुआ, फिर पीछे देखा तो वो बिल्कुल कूद गया और चला गया जंगल में। पट्टी हटे खा रहा है, सिलाई किया पटाया दिन, यहाँ खटिमा में मिला नहीं काम, वहाँ देरी होगी करके जल्दी आ गया हम। फिर घायल अवस्था में नागरिक चिकित्सालय खटिमा लाए गए हैं, जिनको द्वारा बताया जा रहा है कि उनके ऊपर बाघ के द्वारा अटैक किया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, उनको प्राथमिक उपचार दे दिया गया और अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। वो दोनों के दोनों बग्गा चौवन निवासी व्यक्ति हैं और उनका उनका उनके सारे घावों को देख लिया गया है, उनका सारा प्राथमिक उपचार हो गया एक्सरे कराने के बाद, फिर आगे की स्थिति को देखा। सुबह सूचना प्राप्त हुई कि सुरई कक्ष संख्या 3 के निकट से गुजरते समय दो व्यक्तियों के ऊपर वन्यजीव द्वारा हमला कर दिया गया है। सूचना पर तत्काल स्थानीय स्टाफ को घटनास्थल पर रवाना किया गया। स्थानीय स्टाफ द्वारा अवगत कराया गया कि श्री मदन सिंह मेहरा, जिनकी उम्र करीब 60 वर्ष है, के बाएं घुटने पर वन्यजीव द्वारा हमला किया गया है और जिसमें काफ़ी सारा खून बह रहा है। उन्हें स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया है, जहाँ उनका उपचार किया जा रहा है। इस संबंध में वन क्षेत्र अधिकारी सुरई को निर्देश दे दिए गए हैं कि तत्काल क्षेत्र में अपनी गश्त कार्रवाई बढ़ाएं और जितना जो आवागमन के रास्ते हैं राहगीरों के, उनमें झाड़ियों की सफाई इत्यादि कर लें। इस संबंध में नियमानुसार जो भी अग्रेतर कार्रवाई होगी वो की जाए।